एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर अदर इल्यूमिनेटिंग डिवाइसेस, एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर अदर इल्यूमिनेटिंग डिवाइसेस। एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर अदर इल्यूमिनेटिंग डिवाइसेस, नंबर वन, द रेडिएशन एमिटेड बाय एलईडी इज रिलेटिवली प्योर, द रेडिएशन एमिटेड बाय एलईडी इज रिलेटिवली प्योर, द रेडिएशन एमिटेड बाय एलईडी इज रिलेटिवली प्योर, that is unwanted radiations are emitted in, unwanted radiations are emitted in negligibly small amount, unwanted radiations are emitted in negligibly small amount, it increases the efficiency of LED. It increases the efficiency of LED as a light source. It increases the efficiency of LED as a light source. Number two, The average life of LED is about 50,000 hours, which is much larger than any other conventional device. Okay, next लिखते हैं, LED is a solid structure. It is mechanically strong and rugged, R-U-G-G-E-D. जितने भी LED के अलावा conventional devices हैं, illuminating devices, वो सब के सब खोखले होते हैं, कांच के बने होते हैं। बल्ब है आपका खोखला है और बहुत डेलिकेट ग्लास से बना हुआ है, या CFL है या ट्यूबलाइट है, सबके सब ये कांच से बने हुए और खोखले हैं अंदर से, गिर जाए हाथ में से बल्ब क्या होगा, एलईडी आप फेंक के मारो कुछ भी नहीं होने वाला, प्लास्टिक से बनी हुई है ये और बिल्कुल एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसलिए मैकेनिकली कहीं ज्यादा मजबूत है ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं एडवांटेज एलईडी के, छोटा छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर कन्वेंशनल डिवाइसेस। नेक्स्ट लिखते हैं लो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, therefore suitable for fast switching action. ये वार्म अप टाइम आप समझे क्या है, वार्म अप टाइम हमें नॉर्मली फील नहीं होता, लेकिन एक आपने नॉर्मल इनकैंडिसेंट बल्ब लिया,
नॉर्मल फिलामेंट बल्ब नॉर्मल फिलामेंट बल्ब है, आपने इसे एक सोर्स से कनेक्ट किया, की लगाई, जैसे ही आप की ऑन करेंगे इंस्टेंटली ये ग्लो नहीं करता, इट टेक्स सम टाइम बिकॉज द हीट प्रोड्यूसिंग सिस्टम इज हीटिंग, लाइट प्रोड्यूसिंग सिस्टम इज द हीटिंग ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जब तक सफिशेंटली सफिशेंट लार्ज टेम्परेचर गेन करेगा तब ये अपने अंदर से लाइट निकालेगा, और इस प्रोसेस में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम लग जाता है। और इसको आपने काफी हद तक एक्सपीरियंस किया है, कब, जब हम अपना ये प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, इट टेक्स फ्यू सेकेंड टू गिव फुल ब्राइटनेस, क्योंकि इसमें भी एक फिलामेंट बल्ब लगा हुआ है और क्योंकि वो बहुत हैवी बल्ब है, हाई इंटेंसिटी की लाइट देता है, इसलिए उसे वार्म अप का टाइम ज्यादा लगता है। तो वार्म अप का टाइम एलईडी के लिए नेग्लिजिबली स्मॉल है। आपने एलईडी लगाई, एक एलईडी लगाई, सोर्स से आपने इसे जोड़ा, जैसे ही आप की प्रेस करेंगे इंस्टेंटली यहां से लाइट निकल जाएगी, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। क्यों? क्योंकि यहां लाइट प्रोड्यूस करने के लिए आपको हीट करना ही नहीं है, यहां तो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बैंड में होल ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने तो सिर्फ उनके कॉम्बिनेशन स्टार्ट करा देना, प्रेजेंट तो पहले ही है वो। एक नॉर्मल बल्ब में लाइट तब निकलेगी जब फिलामेंट एक सर्टेन टेम्परेचर अटेन कर लेता है, तब जाकर के लाइट एमिट करना शुरू करेगा। तो वहां फिलामेंट को एक सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंचाना है आपको, यानी लाइट निकलने लायक कंडीशंस पहले आपको बनानी है। और लेकिन एक एलईडी है, नॉर्मल एलईडी है, एलईडी में तो वो कंडीशंस पहले ही बनी हुई है, यहां कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी बैंड में होल्स पहले ही मौजूद है। आपने सिर्फ इनका क्या करना है, कॉम्बिनेशन कराना है। आपने जैसे ही स्विच ऑन किया ऑलमोस्ट इंस्टेंटली लाइट देना शुरू कर देगा। अब इसका हमने आगे लिखा, इट इज सूटेबल फॉर फास्ट स्विचिंग एक्शन, इट इज सूटेबल फॉर फास्ट स्विचिंग एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ये चाहें कि एक नॉर्मल बल्ब, इनकैंडिडेंस बल्ब है, फिलामेंट बल्ब है, इसे आप चाहें कि एक सेकंड में 1000 बार ये ऑन और ऑफ हो जाए, आप एक सेकंड में एक हजार बार, 20,000 बार इसे ऑन ऑफ करना चाहें, तो ये नहीं होगा। आपने ऑन किया, अभी ये फिलामेंट लाइट एमिट करने वाले टेम्परेचर तक पहुंचा भी नहीं था कि आपने ऑफ कर दिया। एक सेकंड में आपको 10,000 बार ऑन ऑफ करना है, तो इसमें से लाइट निकलेगी ही नहीं। या आपने एक इनिशियल टेम्परेचर पर ला कर के ऑन ऑफ किया तो लगातार लाइट निकलती रहेगी, अभी वो ठंडा हो भी नहीं पाया था फिलामेंट कि आपने फिर से करंट भेज दी, स्विच ऑफ किया, फिलामेंट अभी ठंडा हो भी नहीं पाया था कि फिर से आपने इसमें करंट भेज दी, तो या तो ये लाइट देगा ही नहीं सफिशेंट, या रेगुलर लाइट देता रहेगा। लेकिन आप एलईडी के साथ ये काम कर सकते हैं, ये कम्युनिकेशन में यूज होता है, ऑप्टिक फाइबर में, ऑप्टिक फाइबर में यूज होता है, जहां आप साउंड या डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं लाइट फ्लैश में, लाइट फ्लैश में। कंप्यूटर में शायद कभी आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत कि कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है 0-1, कंप्यूटर को सिर्फ दो चीजें समझ आती हैं, एक 0-1, स्विच ऑफ कंडीशन, स्विच ऑन कंडीशन, इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ भी समझ नहीं आता। सारी इंफॉर्मेशन हमारी 0-1-0-1, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन की फॉर्म में ही होती है, चाहे वो डेटा हो या कुछ और भी। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ
आप अपने मोबाइल पर करते हैं, कितना प्रोसेसर है, मोबाइल है 2.5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है। ये 2.5 गीगाहर्ट्ज एक्चुअली क्या है, ये स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी है। जो आपका मोबाइल में प्रोसेसर लगा हुआ है वो एक सेकंड में 2.5 × 10^12 टाइम्स ऑन और ऑफ हो रहा है। कितनी हाई फ्रीक्वेंसी है, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज होती 10^6, ये गीगाहर्ट्ज में है। अब इतनी फास्ट स्विचिंग जब आपको करानी है तो नॉर्मल डिवाइसेस आपके लिए काम नहीं कर पाएंगी। आपको ऐसा चाहिए जो स्विच ऑन करते ही इंटेंसली इंस्टेंटेनियसली लाइट एमिट करना शुरू कर दे, और जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया है तुरंत इसमें से लाइट निकलनी बंद हो जाए। और ये काम करता है क्या, LED। इसका स्विच वार्म अप टाइम बहुत कम है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसलिए इसको हम फास्ट स्विचिंग एक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। समझ आई बात इतनी। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय एन LED, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय एन LED, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय एन LED can be controlled easily by controlling current through it। आप सब ये काम करते ही हैं अपनी लाइफ में, जब आप ओपन में होते हैं अपने मोबाइल की ब्राइटनेस इंक्रीज कर देते हैं, या उसमें लगा हुआ लाइट सेंसर मोबाइल स्क्रीन की लाइट इंक्रीज कर देता है, इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता है, और जब आप अंदर चले जाते हैं इंडोर होते हैं तो उसमें लगा हुआ सेंसर, या आप मैन्युअली इंटेंसिटी ब्राइटनेस कम कर देते हैं, वहाँ सब LED ही चल रहे हैं सारे। LED की इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय LED बहुत इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा, बस हल्का सा आपको क्या करना होता है, चेंज करना होता है करंट का, जबकि कन्वेंशनल डिवाइसेस की इंटेंसिटी को चेंज करना इतना इजी नहीं है। आपके घर 220 वोल्ट आ रहे हैं या 180 वोल्ट आ रहे हैं, लगभग CFL उतनी ही ब्राइटनेस पर जलती रहती है। बहुत ही कम होंगे वोल्टेज कितने कि बिल्कुल ही 140 वोल्ट आ जाए, तब आपको लगेगा कि हाँ CFL आज पूरी लाइट नहीं दे रही, और इससे कम हो जाएंगे तो जलेगी नहीं। यहाँ आप LED में बिल्कुल जीरो इंटेंसिटी से एक सर्टेन मैक्सिमम इंटेंसिटी तक इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो इंटेंसिटी पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो जाए लेकिन फिर भी सर्किट आपका ऑन है, चल रहा है, और एक सर्टेन ब्राइटनेस जो मैन्युफैक्चरर ने बनाई है मैक्सिमम ब्राइटनेस, वहां तक भी आप इसे इजीली लेकर जा सकते हैं। और एक सबसे बड़ी एडवांटेज, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बहुत इजीली कलर कंट्रोल कर सकते हैं एमिटेड बाय एन LED। CFL या ट्यूब लाइट्स या इनकैंडिसेंट बल्ब है, इनके अगर आप कलर कंट्रोल करते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है कि आपको रेड कलर की ट्यूबलाइट चाहिए तो रेड कलर की पन्नी चढ़ा दो उसके ऊपर, है नहीं। अगर आपको हरी लाइट चाहिए, जैसे कब अक्सर डेकोरेशंस में यूज करते हैं, तो उसके ऊपर हरे रंग की पन्नी तो बोलते हैं उसे, ट्रांसपेरेंट शीट है प्लास्टिक की, उसे चढ़ा दीजिए, ग्रीन लाइट वो पार जाने देगी, बाकी सारी की सारी लाइट रोक लेगी। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या ये है कि एक्चुअली आप प्रोड्यूस तो कर रहे हैं बहुत सारी लाइट, लेकिन उसमें से यूज कर रहे हैं केवल एक छोटा सा पार्ट। लेकिन आप LED में एक सूटेबल डोपेंट लेकर आप LED के कलर को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आप अगर चाहें कि ग्रीन LED है तो एक ऐसा डोपेंट बना लीजिए, एक ऐसा डोपेंट मिला दीजिए जिसमें कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का गैप उतना है जितना कि ग्रीन लाइट के फोटोन की एनर्जी होती है।
फोटॉन्स हर कलर के अलग अलग एनर्जी के होते हैं, याद कीजिए फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, रेड कलर के लिए कुछ और है, येलो के लिए कुछ और है, ग्रीन के लिए कुछ और, वायलेट के लिए कुछ और, तो फिर इनकी एनर्जी डिफरेंट है। आपने एक डोपेंट लिया, ऐसा डोपेंट मिला दिया कि आपका कंडक्शन बैंड वैलेंसी बैंड के बीच का एनर्जी गैप उतना हो गया जितना कि ग्रीन कलर के बल्ब की, ग्रीन कलर के बल्ब की लाइट हुआ करती है, जितना कि ग्रीन कलर के फोटोन की एनर्जी होती है। अब जब ये रिकॉम्बिनेशन होंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अपने अंदर से वही एनर्जी निकालेंगे, यानी ग्रीन कलर निकालेंगे, बाकी सारी रेडिएशंस, बाकी दूसरे रेडिएशंस भी निकलते हैं लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में निकलेंगे। आपको ग्रीन चाहिए, ग्रीन ही आपको मिल रहा है मेजरली, इसका मतलब अनवांटेड रेडिएशंस के लिए आप इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च नहीं कर रहे। आपको रेड कलर की चाहिए तो एग्जैक्टली रेड कलर आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे प्रिसाइज एलईडी ऐसे होते हैं जो सिंगल वेवलेंथ एमिट करने लगते हैं। एक नॉर्मल खिलौना आपने देखा होगा, लेजर, लेजर की छोटी सी टॉर्च होती है, आप उसके ऊपर ध्यान से देखिए, उसकी वेवलेंथ रखी रही होती 686 नैनोमीटर या समथिंग ऐसी कुछ लिखा हुआ होता, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। दो वेवलेंथ होती है रेड कलर की, यानी वो भी एक एलईडी लगा हुआ है, हाँ उसमें भी एक एलईडी है, एक पर्टिकुलर खास तरह का एलईडी है। उसको ऐसे बनाया जाता है कि वो केवल केवल एक या दो वेवलेंथ ही अपने अंदर से एमिट करता है। तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे सेल्स से भी कितनी इंटेंस लाइट प्रोड्यूस कर देता है, वो हाईली इंटेंस लाइट प्रोड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि बाकी रेडिएशंस में आपको एनर्जी खर्च करने नहीं पड़ रही, आपको एग्जैक्टली वही रेडिएशन मिल रहा है जो रेडिएशन आपको रिक्वायर्ड है। सारी एनर्जी आपकी आपके मतलब की रेडिएशन प्रोड्यूस करने में खर्च हो रही है। लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग अ सूटेबल डोपेंट, यूजिंग अ सूटेबल डोपेंट द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय एन एलईडी कैन बी, यूजिंग अ सूटेबल डोपेंट द कलर ऑफ लाइट एमिटेड, using a suitable dopant, the color of light emitted by an LED, can be controlled easily. और कुछ इसके एग्जाम्पल लिख दीजिए। फॉर रेड कलर GAP, गैलियम फास्फाइड मिला दिया जाता है रेड कलर की एलईडी बनाने के लिए, डोपेंट यूज करेंगे GAP, गैलियम फास्फाइड, कैपिटल G, स्मॉल A, कैपिटल P, GAP। नेक्स्ट, फॉर येलो कलर GAASP, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड GAASP, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, AS फॉर इंफ्रारेड, AS आर्सेनिक इंफ्रारेड के लिए, इंफ्रारेड एलईडी बहुत ज्यादा यूज होता है। कहां यूज होता है? आप अपने घर में कोई भी रिमोट उठा लीजिए, उस रिमोट के आगे एक छोटा सा बल्ब सा आपको दिखाई देगा, वो एलईडी लगा हुआ है। लेकिन जब आप अपने रिमोट का कोई भी स्विच ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं कोई भी बटन, उसमें से लाइट नहीं निकलती, एक्चुअली लाइट उसमें से निकल रही है, कैमरे के आगे वो दिखाई दे जाती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस कैमरा, सारे के सारे कैमरा चिप्स इंफ्रारेड सेंसिटिव होते हैं। तो आप मोबाइल कैमरे में अगर उस लाइट को देखें तो आपको पता लगेगा कि इसमें से लाइट निकल रही है। तो आप बड़ी इजीली एमिटेड लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट आपको यूज करनी है रिमोट कंट्रोलिंग के लिए, तो केवल वो अपने अंदर से इंफ्रारेड लाइट ही निकाल रहा है, विजिबल लाइट निकाल ही नहीं रहा, जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वही मिल रही है। आप देखिए, दो सेल लगे होते हैं आपके रिमोट में और कितने चलते हैं,
कई कई महीने चल जाते हैं, दो सेल छोटे छोटे, दो सेल पतले पतले, दो सेल लगे हुए और कई कई महीने चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली आपको वही लाइट मिल पा रही है जो लाइट आपको चाहिए। वही दो सेल अगर आप एक नॉर्मल टॉर्च पर डाल दो जिसमें बल्ब लगा होता है तो 5-7 दिन में, महीने भर में, हफ्ते भर में खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं हेडिंग फोटोडायोड। फोटोडायोड 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 इट इज अ डिवाइस। देखिए फोटोडायोड, थोड़ा सा पहले, हल्का सा पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फोटोडायोड क्या है। फोटोडायोड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जंक्शन पर यूज है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जंक्शन पर यूज है। अच्छा, ये बात तो आपने शायद पहले लिख ली ना कि हम एलईडी को हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही यूज करते हैं। लिख लिया आपने, एलईडी ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। अब फोटोडायोड, फोटोडायोड क्या है? देखिए, ये एक नॉर्मल डायोड है। नॉर्मल डायोड पी टाइप क्रिस्टल, एन टाइप क्रिस्टल। पी टाइप क्रिस्टल में ढेर सारे होल्स और एन टाइप क्रिस्टल में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होल्स भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और जंक्शन पर जो डिप्लीशन रीजन बना हुआ है, इसमें पी टाइप की तरफ निगेटिव चार्ज और एन टाइप पर कैसे पॉजिटिव चार्ज, और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड है। यहां इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड है। कैसा होता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड? एन टाइप से पी टाइप की तरफ, एन टाइप से पी टाइप की साइड में है। डायोड में डिप्लीशन रीजन में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है एन टाइप से पी टाइप की तरफ। जब आप रिवर्स बायस देते हैं, यानी एन टाइप को जोड़ते हैं पॉजिटिव से, पी टाइप को जोड़ते हैं नेगेटिव से, तो आपने एक्चुअली क्या काम किया? आपने एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया विच सपोर्ट द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिप्लीशन रीजन के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती चली आती है। जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता है। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जबकि यहां इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया और बॉन्ड्स में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड को तोड़कर जाने लगे, यानी कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर का कंडक्शन शुरू हो जाता है। आपने जीनर ब्रेकडाउन किया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स बायस, विद द हेल्प ऑफ अ फेवरेबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप ये काम किसी और तरीके से कर पाए, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जेनरेशन आप कर पाए किसी और तरीके से, तब भी वही कंडीशन बनेगी। क्या? कि डिप्लीशन रीजन में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन जाए किसी और तरीके से बन जाए तो क्या होगा? चार्जेस का फ्लो बन जाएगा। फोटोडायोड में बॉन्ड्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हेल्प ली जाती है एक सूटेबल लाइट की। कौन सा इफेक्ट होगा यहां? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपने यूज कर लिया जंक्शन डायोड के लिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने यूज कर लिया जंक्शन डायोड के लिए। कैसे? अच्छा, तो फिर बताइए इस डायोड को किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करना पड़ेगा? अगर हमें, हमने जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट कर दिए बहुत सारे लाइट की हेल्प से, लाइट नहीं थी तो फिर ये कंडक्शन नहीं कर रहा था। लाइट की हेल्प से आपने बहुत सारे इसमें होल्स क्रिएट कर दिए, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर दिए, तो कौन सा बायस में यूज कर रहे होंगे हम? रिवर्स बायस में। ठीक है, तो आपने क्या काम किया?
एक डायोड है, स्पेशली स्पेशल बनाया जाएगा, जंक्शन को एक्सपोज करके रखा जाएगा ताकि बाहर से लाइट जा सके जंक्शन तक। जंक्शन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना हुआ था, रिवर्स बायस आपने लगाया, एन टाइप को जोड़ा पॉजिटिव से, पी टाइप को जोड़ा आपने नेगेटिव से, और यहाँ लाइट का आपने इंसिडेंट किया, लाइट का इंसिडेंट किया। जंक्शन पर जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे डोपेंट, वो ऐसा यूज़ करेंगे जिसके लिए एनर्जी गैप उतना ही हो जितना कि आपके इस फोटोन की एनर्जी है जिस फोटोन से आप डायोड को ऑपरेट कराना चाहते हैं। थोड़ा टंग ट्विस्टर लैंग्वेज बोल गया मैं। ये एनर्जी गैप, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंसी बैंड, ये बीच का एनर्जी गैप, एनर्जी गैप इतना रखा जाएगा कि कहीं से एक फोटोन आए और वैलेंसी बैंड में से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहाँ पहुँचा दे, कंडक्शन बैंड में पहुँचा दे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली बात है, वर्क फंक्शन सब आपने पढ़ा हुआ है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। यहाँ वर्क फंक्शन नहीं, बल्कि हम किसको कंसीडर करेंगे, एनर्जी गैप को। हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालना, केवल बॉन्ड में से तोड़ देना, यानी कि वैलेंसी बैंड में से तोड़कर कहाँ पहुँचा देना, उसे कंडक्शन बैंड में। तो फिर इस एनर्जी गैप को इतना रखा जाएगा कि आपके इस एनर्जी गैप की एनर्जी लेस देन हो किससे, एच न्यू से। कौन सा है एच न्यू, वो फोटोन जिस फोटोन से आप डायोड को फायर करना चाहते हैं, फायरिंग ऑफ डायोड, इट इज कॉल्ड फायरिंग ऑफ डायोड। जिस फोटोन से आप डायोड को फायर करना चाहते हैं उस फोटोन की एनर्जी से कुछ कम होनी चाहिए एनर्जी गैप। अगर आपको ये डायोड फायर कराना है विजिबल लाइट से, तो फिर विजिबल लाइट के एवरेज फोटोन की एनर्जी से थोड़ी सी कम होनी चाहिए बैंड गैप। अगर आपको ये डायोड फायर कराना है इन्फ्रा रेड लाइट से, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये एनर्जी गैप इतना रखना पड़ेगा जितनी इन्फ्रा रेड फोटोन की एनर्जी है। कभी आप ध्यान से देखिएगा, कोई अगर आपने कोई रिसीवर टूटा हुआ देखा हो, तो रिसीवर के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर लगा होता है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर लगा होता है, बीच में से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। अभी आप देख नहीं पाएंगे, ये हमारे सामने यहाँ रखा हुआ है, इसमें वो दिखाई देता है, थोड़ी सी लाइट अगर मिल जाए तो यहाँ साफ दिखाई देता है। ये एक्चुअली फोटो डायोड है, जो आपके रिमोट में से निकलने वाली इन्फ्रा रेड लाइट को सेंस कर लेता है। आपने रिमोट पर कोई प्रेस किया बटन प्रेस करते ही इन्फ्रा रेड भेजेगा, पल्स भेजता है इन्फ्रा रेड की, वो पल्स रिसीव कर लेता है, सेंस कर लेता है, कौन, फोटो डायोड इसके अंदर लगा हुआ है। सिंपल सी बात है, फोटो डायोड का कंसेप्ट क्या, कि जंक्शन को आपने एक एक्सटर्नल फोटोन से, एक्सटर्नल लाइट से एक्सपोज कर दिया, और इस लाइट ने वही काम किया ऑलमोस्ट जो जंक्शन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा था, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का काम किया। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया जंक्शन पर, डिप्लीशन रीजन में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो गए, और आपने रिवर्स बायस दिया हुआ ही है, रिवर्स करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, लिखते हैं इसे हम। और एलईडी का सिंबल कितना होता है, सिंपल है इसका बिल्कुल। आपने एक डायोड बनाया, और जैसे कि एलईडी बनाया था आपने बाहर की तरफ लाइट निकलते हुए, यहाँ आप अंदर इनवर्स एरो बना देते हैं लाइट के लिए। तो ये आपका हो गया सिंबल फोटो डायोड का, बना लीजिए इसे फोटो डायोड का सिंबल। सिंपल डायोड है, डायोड में आप इनटू इनवर्स आप लाइट रेस दिखा दीजिए, फोटो डायोड, ये फोटो डायोड का सिंबल है। ओके, लिखते हैं, इट इज अ डिवाइस having a photosensitive semiconductor junction.
having a photosensitive junction such that there is large increase in reverse current, when a radiation of suitable frequency is incident on the junction. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं, द जंक्शन इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सो दैट लाइट कैन रीच द जंक्शन In reverse bias, there is a small reverse current within zener voltage को आप ब्रैकेट में कर लीजिए, ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स When radiation of suitable frequency is incident on the junction, the electrons jump from valency band to conduction band. It increases the charge carriers across the junction, and hence reverse current is increased significantly. This reverse current is large enough to trigger a circuit. Note लिख लीजिए, photodiode is always used in reverse bias. और फोटोडायोड का डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, क्या है सिंबल फोटोडायोड का? वही सिंबल जो नॉर्मल डायोड का हुआ करता है, PN, और यहां आप इनवर्स लाइट शो कर देते हैं, फोटोडायोड हो गया। ओके,
इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, एग्जाम में आ चुका है। रिवर्स बायस और रिवर्स करंट में, रिवर्स बायस और रिवर्स करंट में जैसे जैसे आप रिवर्स बायस इंक्रीज करेंगे रिवर्स करंट इंक्रीज होगी। लेकिन ये ग्राफ कब का है? जब आपने डायोड पर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं की है, हम इसे कहते हैं डार्क करंट। लेकिन जब आप डायोड पर सूटेबल लाइट इंसिडेंट कर देंगे, सूटेबल रेडिएशन इंसिडेंट कर देंगे, तब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये वो करंट है कब? जबकि आपने डायोड को एक सूटेबल रेडिएशन से एक्सपोज किया है। तो ये कौन सी करंट? करंट when the junction is exposed to light of suitable frequency। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं सोलर सेल। सोलर सेल, इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। आजकल आप देख ही रहे हैं जगह जगह सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, यहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज कर लिया जाता है सेमीकंडक्टर के साथ, बिल्कुल वैसी जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कहां, फोटो डायोड के लिए। फोटो डायोड का बहुत बड़ा रूप सोलर पैनल है। फोटो डायोड का स्ट्रक्चर कितना सा होता है? चींटी भी बड़ी है। जंक्शन का साइज, हाँ, चींटी का हेड समझ लो, चींटी का सर बस इतना बड़ा। लेकिन उसे आपने फ्यू स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो सोलर सेल बन गया। कैसे है सोलर सेल का स्ट्रक्चर देखिए। एक मेटेलिक बेस, कॉपर या एल्यूमिनियम, इसके ऊपर आपने इवनली स्प्रेड कर दिया P टाइप सेमीकंडक्टर आपने इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर दिया यूनिफॉर्मली, और फिर P टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर आपने स्प्रेड किया है, बहुत ही थिन लेयर। कितनी थिन लेयर? कि वो लेयर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है। थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर की एक बहुत पतली सी लेयर आपने बिछा दी इसके ऊपर। इतनी पतली लेयर कि इस लेयर में से पार होकर के लाइट कहां तक जा सकती है?
जंक्शन तक जा सकती है जहां एन टाइप और पी टाइप मिलकर के डिप्लीशन रीजन बना रहे हैं। और फिर इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर आपने पतली पतली स्ट्रिप्स बिछा दी, पतली पतली पट्टियां बिछा दी इसके ऊपर। किसी भी सोलर सेल में आप देखना ध्यान से, आपको उसमें पतली पतली पट्टी सी दिखाई देती हैं। वो पतली पतली सी पट्टियां चांदी की स्ट्रिप्स होती हैं, क्योंकि सबसे सूटेबल, सबसे अच्छी कंडक्टर है। ये आपने लगा दी क्या थिन स्ट्रिप्स ऑफ मेटल, बहुत पतली पतली लगाई जाती हैं। अगर ये बहुत बड़ी बड़ी लगा देंगे तो फिर ये भी लाइट को रोक लेंगी जंक्शन तक पहुंचने के लिए। अब हुआ क्या, लाइट का फोटोन आया, फोटोन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जंक्शन पर पहुंचा, तो जंक्शन पर वही काम हुआ ऑलमोस्ट जो काम अभी हमने पढ़ा था किसमें, फोटोडायोड में। जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर बन गया, कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि जंक्शन पर आने वाली इस एनर्जी ने एक किसी बॉन्ड को तोड़कर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके एक होल और एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया। अब यहां पी टाइप में होल्स क्रिएट हुए, लेकिन इसके नीचे आपने लगा रखा है एक गुड कंडक्टर मेटेलिक बेस। मेटल्स में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा, तो जैसे ही एक होल क्रिएट होता है पी टाइप में, तुरंत इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन आकर के पी टाइप में होल को फिलअप कर देता है। लेकिन इस फिलअप करने में क्या होगा, मेटल्स पर से कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे पी टाइप रीजन में, मेटल्स पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स का डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो मेटल्स पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं कहां, इस थिन स्ट्रिप्स पर। तो ये थिन स्ट्रिप्स कैसी चार्ज हो जाएंगी, नेगेटिवली चार्ज। एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज होता नहीं है, जब हम कंडक्ट करते हैं तब होगा। पी टाइप में होल्स क्रिएट हुए, उन होल्स को फिलअप करने के लिए नीचे मेटेलिक बेस में से इलेक्ट्रॉन्स चले गए पी टाइप में, क्योंकि पी टाइप में होल्स क्रिएट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बैठने की जगह मिल गई, जगह बन गई। और यहां कॉपर में या एल्युमिनियम बेस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, वो गए और सामने होल्स में फिक्स फिट हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आपने एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया, क्या हुआ, ऊपर मेटल स्ट्रिप से, मेटल स्ट्रिप चांदी, इसके इलेक्ट्रॉन तो कहीं गए नहीं, इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन नीचे जो कॉपर का बेस है, एल्युमिनियम का बेस है, यहां इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रिप से लोड के थ्रू, ये आपका लोड, लोड के थ्रू कहां चलने लगेंगे, कॉपर के बेस तक। लाइट पीछे से आ ही रही है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कॉपर के बेस पर पहुंचा, पीछे आने वाली लाइट ने फिर से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर दिया, पी टाइप में होल जनरेट हुआ, फिर से एक इलेक्ट्रॉन बेस टाइप से, इस बेस से होल कहां चला गया, पी टाइप में चला गया। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बना रहेगा, कहां बना रहेगा, इन थिन मेटेलिक स्ट्रिप से लेकर कहां तक, नीचे मेटेलिक बेस तक। तो फिर कन्वेंशनल करंट कहां फ्लो करेगी, कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगी आपके मेटेलिक बेस से लेकर के इन थिन स्ट्रिप तक। लाइट इंसिडेंट होती रहेगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता रहेगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया यहाँ, और लगातार आपके लोड के थ्रू करंट का फ्लो बनता रहेगा। करंट के थ्रू, करंट लोड में करंट का फ्लो होना ही क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, सिंपल सी बात है। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो गया, किस में कन्वर्ज हो गया, सीधे सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। डायग्राम ड्रॉ कीजिए, नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कीजिए। लिखते हैं, व्हेन जंक्शन इज एक्सपोज्ड टू सूटेबल रेडिएशन
when junction is exposed to suitable radiation, electron hole pair is generated. Electron hole pair is generated. When junction is exposed to suitable radiation, electron hole pair is generated. The holes generated in p-type, the holes generated in p-type get neutralized by the electrons, by free electrons from metal base, the metallic base become positive. When external load is connected between, strip laid over n-type crystal, metal strips laid over n-type crystal and the metal base below p-type crystal, the electrons flow from metal strip to the metallic base. Electrons flow from metallic strip to the metal base. The free electrons removed from metal strips, is furnished by free electrons generated by photon of incident light. When an electron breaks up from bond, conventional current flow from metallic base to the finger, to the finger strips. Fingers भी बोलते हैं ना, जो ऊपर पतली पतली strips आपने बनाई है. Through load. Next paragraph लिखिए. और ये कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझते हैं इसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है.
यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, पी टाइप में होल्स बने और उन होल्स को फिलअप कर दिया गया बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक बेस। तो मेटेलिक बेस पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो इलेक्ट्रॉन्स बने वो एक्युमुलेट हो गए इन फिंगर्स पर, फिंगर स्ट्रिप्स पर, ये निगेटिवली चार्ज हो गई। इसका मतलब एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है बिटवीन द बेस एंड द फिंगर्स। हमारे लिए जितना ज्यादा बड़ा ईएमएफ इंड्यूस हो जाए उतना ही अच्छा है। अगर यहां 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो काम कम हो पाएगा, अगर यहां 2 वोल्ट का फिंगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, बन जाए, तो ज्यादा अच्छा काम हो पाएगा। हमारे लिए अच्छा यह है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ही ईएमएफ क्रिएट हो जाए यहां। लेकिन ईएमएफ एक्चुअली कितना इंड्यूस होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड और ये नीचे वैलेंसी बैंड, इन दोनों के बीच जितना भी एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप ही एक्चुअली ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सोलर सेल है, क्योंकि मैक्सिमम इतनी एनर्जी मिल सकती है इलेक्ट्रॉन के वापस आने में। पंडित जी चुपचाप बैठ जाओ, सीधे बैठो, नीचे झुक के बैठो, बैठो बिल्कुल। जितना कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच ईएमएफ है उतना ही, सॉरी एनर्जी गैप है, मैक्सिमम उतना ही ईएमएफ हमें मिल सकता है। तो इसका मतलब एनर्जी गैप हम ज्यादा रखें, कुछ ऐसा सेमीकंडक्टर यूज करें जिसके लिए एनर्जी गैप काफी बड़ा हो, एनर्जी गैप 5 वोल्ट का हो, तो हमें 5 वोल्ट मिल जाएंगे सीधे सीधे इस सेल से। लेकिन अगर बहुत बड़ा एनर्जी गैप हमने रख लिया तो एक समस्या क्या आने वाली है कि पीछे से आने वाले फोटोन की एनर्जी कम पड़ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा पाएगा। हमारा पर्पस क्या है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कब कन्वर्ट होगी, जब लाइट का एक फोटोन आए वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करा दे कंडक्शन बैंड में, तो नीचे पॉजिटिव क्रिएट हो गया, जहां ये इलेक्ट्रॉन गया वहां नेगेटिव क्रिएट हो गया, मिल गया ईएमएफ हमें। लेकिन अगर एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी गैप इतना बड़ा होगा कि आने वाला लाइट का फोटोन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचा ही ना पाए, तो आप लाइट इंसिडेंट करते रहो, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, कोई ईएमएफ नहीं मिलने वाला हमें। तो इसके लिए क्या करें कि पहले ये देखें कि हमारा जो लाइट है, यानी कि विजिबल पार्ट ऑफ लाइट है जो सूरज से हमें मिल रहा है, सन से हमें मिल रहा है, इसका एनर्जी देखें, इस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, लगभग लगभग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी ज्यादा होती है डिपेंडिंग अपॉन द कलर। वायलेट फोटोन की ज्यादा होती है, रेड फोटोन की कम होती है। तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी गैप हमें इतना ही रखना पड़ेगा ताकि विजिबल लाइट जो सूरज से हमें मिल रही है, उस विजिबल लाइट का फोटोन वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचा सके। और ये कितना होना चाहिए, लगभग लगभग 1 वोल्ट। अगर आप बहुत छोटा गैप रख देंगे तो बहुत कम ईएमएफ मिल पाएगा। अगर आपने गैप रख लिया 0.1 वोल्ट का, तो फिर आपको सेल से कितना ईएमएफ मिल पाएगा, 0.1 वोल्ट का सेल में 12 वोल्ट लेने के लिए तो आपको 500 सेल, सैकड़ों सेल आपस में सीरीज में डालने पड़ेंगे, तब कहीं जाके बैटरी चार्ज कर पाएगा। तो दोनों बातें एक साथ देखनी है कि ईएमएफ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और ये बैंड गैप इतना ज्यादा भी ना हो जाए कि पूरी खिली हुई धूप निकल रही है और फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल इज द बैंड गैप। बैंड गैप ऐसा होना चाहिए कि विजिबल लाइट
में से ज्यादातर फोटॉन्स इस बैंड गैप को पार करा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचा दे, ठीक है। और ये बैंड गैप रखा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का। जैसे सिलिकन आप यूज कर लें, सिंपली सिलिकन का बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकन के अलावा जो दूसरा मेटल यूज होता है इसमें GaAs, इसका बैंड गैप है करीब करीब 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपको सेल का EMF भी कितना मिलेगा, 1.343 वोल्ट मिल जाएगा, कम से कम 1.5 वोल्ट के आसपास तो मिला। 1.5 वोल्ट के 9 सेल्स आप आपस में कनेक्ट कर लेंगे, 12 वोल्ट आपको मिल जाएगा, बैटरी चार्ज करने लायक बन जाएगी बात। एक सोलर पैनल में इस तरह का वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपस में बनाया हुआ होता है, वो अंदर ही अंदर सारे सीरीज में भी कनेक्टेड है, और वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए, EMF इंक्रीज करने के लिए, और बहुत सारे सेल आपस में पैरेलल में इंक्रीज होते हैं ताकि करंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल इज द बैंड गैप। बैंड गैप ऐसा रखा जाता है ताकि विजिबल लाइट का फोटोन भी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिट करा दे, और ये बैंड गैप है लगभग 1 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट के बीच का, ठीक है। लिखते हैं इसे नेक्स्ट पैराग्राफ में, लिखते हैं इस बात को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल इज द बैंड गैप। The band gap should be such that most of the part of photons in visible spectrum can excite electron from valence band to conduction band. The most suitable band gap is 1 volt to 1.5 volt. For example, 1.1 electron volt band gap के साथ जो मैंने volt बोला वहां भी आप electron volt लगा लीजिए EV. For SI, 1.1 electron volt. For गैलियम आर्सेनाइड 1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंबल इसका ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा सिंबल है, एक सर्किल, उसके अंदर एक छोटा सा सेल बना दिया जाता है और बाहर से लाइट का इंसिडेंट शो करते हैं। ये सिंबल है सोलर सेल का, ठीक है। एक छोटा सा ग्राफ और आता है एग्जाम में, इसका ग्राफ एग्जाम में आ चुका है, ग्राफ एग्जाम में आ चुका है इसका